जी जी बिल्कुल, आप अच्छा सोच रहे हैं। और यही बात है कि ये पॉलिटिकल और गैंगवार बेस्ड फिल्म है। एक यूपी की रियल स्टोरी है ये। सीतापुर से स्टार्ट होती है। ददंत शुक्ला का नाम सुना है वहाँ पे, उन्हीं के अनुसार ये फिल्म चल रही है। क्या ददन शुक्ला की बायोपिक होगी ये फिल्म? बेस्ट नहीं, बायोपिक नहीं कहेंगे लेकिन बेस्ड कहेंगे। हाँ, हो सकती है। बेस्ड हो सकती है। स्टार कास्ट के बारे में हमें बताइए, फिल्म के बारे स्टार में। कास्ट। इसके पहले एक फिल्म आई थी रणनीति, जी जिसको डायरेक्ट मैंने ही किया था। उसी से ये उसका जो मेन लीड करेक्टर था अपना राहुल अंजना, उसको कास्ट किया गया है, जिसमें हेमंत व्यास भी हैं, मुश्ताक खान को भी लिया गया है। कुछ यहाँ करेक्टर हैं और ज़्यादातर FTI और BNS से हैं। संगीता जी बैठी हुई हैं। संगीता जी हमारी बहुत खास है, चीफ गेस्ट हैं आज हमारी ये। मैं आज पवन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। इनका एक फोन आया, मैंने कहा आप प्लीज़ अपना प्रोग्राम जारी रखिए और मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मेरी बहुत तहे दिल से रेड लाइट के लिए शुभकामना है पवन जी के लिए, और पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। आप क्या फिल्म में भी नजर आएंगी संगीता जी? कुछ बातें हुई हैं इसे लेकर? मैं इस फिल्म में तो नहीं, मैं अगली फिल्म में हूँ इनके। नहीं, इस फिल्म में क्यों नहीं, कोई खास वजह? इस फिल्म में एक्चुअली हम लोगों का जो डेटों का थोड़ा सा सिलसिला है वो मैच नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं अगली फिल्म में। टाइटल से मैच कर रहा रेड लाइन सबका। हाँ, तो पॉजिटिव है ना, इसीलिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। किशन कैरी ऑन। इसके प्रोड्यूसर हमारे हैं इकबाल शेख, इकबाल सारी और जगन्नाथ राव। इनका नया बैनर है और इनकी ये पहली फिल्म हो रही है। ये सौभाग्य प्राप्त है कि जो मैं इनकी फिल्म कर रहा हूँ। और शाहिद जी से कुछ सवाल करें। शाहिद जी ने इसमें गाना किया है और साथ में बैठे हैं म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक पांडे जी। शाहिद मालेजर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या रेड लाइन में कुछ नया करने वाले हैं आप? नया नहीं है, ये एक रोने धोने वाला गाना है इसमें, और जिसको सैड सॉन्ग के रूप में हमने गाया है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है कुमार रवि ने, और कंपोजिशन बहुत सरल और लोगों तक पहुंचने वाली अभिषेक पांडे जी ने कंपोजिशन बनाई है। हमारे साथ में बैठे हैं तो मैं पवन जी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्रोजेक्ट में जोड़ा मुझे, और मैंने कोशिश की अच्छा गाने की। बाकी आप सुनेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगा पाएंगे कैसा गाना। नहीं, बहुत अच्छा निभाया है साहिद जी ने, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, बहुत अच्छा निभाया है। थैंक यू। अच्छा, फिल्म का जो पोस्टर दिख रहा है, जिस एक जगह दिखाई दे रहा है, मस्जिद दिखाई दे रही है और दंगे जैसे दिखाई दे रहे, तो क्या है फिल्म? नहीं सर, वो दंगा नहीं दिखाई दे रहा है। मस्जिद और मंदिर तो हमारे धर्म में है, हमारे भारत में, हमारे कल्चर में है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। और हम तो समझते हैं कि हर शहर में है, हर गाँव में है, और होने भी चाहिए। तो एकता का प्रतीक है वो। देखिए, भीड़ लगी हुई है और सब इकट्ठा होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। तो फिल्म किस बेस में? पॉलिटिकल गैंगवार है ये। पॉलिटिकल गैंगवार, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर है या किसके ऊपर है? नहीं, ना मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर बना सकता हूँ, ना बीजेपी के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर। ये काल्पनिक पार्टियाँ होंगी, लेकिन कुछ सच्ची कहानी। हाँ, मिलती जुलती रहेगी, मिलती जुलती रहेगी। डायरेक्ट राजा भैया को हम मार नहीं सकते, बता सकते हैं। जो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो किसके ऊपर है, कुछ बताना चाहिए? व्यक्ति जो जिसका चेहरा आपने दिखाया नहीं है, हाँ, क्या वो है ये? जो आजकल इसलिए क्या होता है, पॉलिटिकल मामला जो होता है, राजनीति बड़ी गंदी दशा देख रहे हैं लोग। हो सकता है कि वो बंदा आके सुधार करना चाह रहा हो, लेकिन वो केजरीवाल नहीं हो सकता। शायद भाई ये बताया गया, बड़े खूबसूरत गाते हो आप, गा के थोड़ा सा सुनाएंगे कुछ? हाँ, मैं चाहता हूँ पहले डायरेक्टर साहब कंप्लीट कर दें, कुछ कह रहे थे ये जरूर। तो वो बंदा ऐसा है कि जो आता है राजनीति में आता है वो, लेकिन कुछ सुधार करना चाहता है, उसी की बातें लोग वो सुन रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस मजहब के हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और बदलाव लाना चाहते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि राजा भैया को कोई मार नहीं सकता, तो क्या राजा भैया ही है पोस्टर में जो दिखाई दे रहे हैं? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। पवन जी, ऐसा जो स्टार कास्ट आपने अभी बताया, उसमें से कोई नजर नहीं आ रहा, क्या ऐसा कुछ इसके? सर, कुछ जो स्टार कास्ट है, हमारी शूट चल रहा है उन लोगों का, उसमें बिजी हैं। प्रेमदा पांडे वगैरह बिजी हैं, राहुल अंजना भी बीजे हैं, गुजरात में उसका शूट चल रहा है, तो मुहूर्त कर दिया जा रहा है, और नेक्स्ट जब इकट्ठा होंगे तब फिर एक पीसी करेंगे यहाँ पे। तो रेड लाइन जिस प्रकार से ये टाइटल है आपका, जो पोस्टर है आपका, तो इसे कुछ नया नहीं लग रहा है, बहुत सिमिलर लग रहा है पांडे जी, क्या क्या कुछ कहना है सर? नया तो जो नहीं पता है, जो अनटोल्ड स्टोरी जिसको कहते हैं,
कि जो चीज लोगों को सर उसको आप गहराई में जाएंगे तो क्या है ना, फिल्म के माध्यम से लोगों तक लोगों को बताना चाहते हैं क्या, कुछ ऐसी बात है? लाल लकीर है सर, क्या है कि जैसे एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, एक लकीर खींच दी गई थी, तो वैसे ही कुछ इस फिल्म में दिखेगा समाज के लिए। तो जरा विस्तार से थोड़ी सी जानकारी तो दे दे सर। मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल और गैंगवार, राजनीतिक और। चलिए, कैसे आया ये जहन में आपके रेड लाइन फिल्म बनाने की? सर मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और वहाँ की धरती से हूँ, तो वो चीज़ें शुरू से रही हैं और पॉलिटिकल फैमिली है, मैं देखते चला आ रहा हूँ। ठीक है, मैं BNA रहा, FTI गया, सब कुछ रहा, लेकिन वो सोच मेरी रही कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है और जो वहाँ मैंने देखा है उसको उकेरना चाह रहा हूँ। तो रियल लाइफ में भी आप इन्वॉल्व थे गैंग वॉर से? नहीं नहीं, मैं कैसे इन्वॉल्व होऊंगा यार मैं तो केवल आपके साथ इन्वॉल्व हूँ। यार सरेंडर कर दो, कर दो, हाँ सरेंडर कर दो मुझे। कहाँ के रहने वाले सर आप, ये पहली फिल्म है आपकी? नहीं सर, ये हमारी तीसरी फिल्म है। और पहले के वर्चस्व एक द पावर ऑफ रणनीति आई थी, डियर जिंदगी सर रिलीज हो गई थी, ऑल इंडिया रिलीज हुई थी वो, और ये थर्ड। आगे किस तरह की फिल्म बनाने का? सर मेरा कॉन्सेप्ट डार्क ही रहेगा। डार्क? हाँ डार्क कॉन्सेप्ट ही जाऊंगा। पॉजिटिव स्टोरी नहीं। अभिषेक आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक की अगर बात करें तो? इसमें कुछ अभी गैंग वॉर में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं। सत्या के लिए एक मिनट बूम डाल दो, कर सकते हो तो कर सकते हो जी। क्या कहना चाहोगे, क्या तैयारी की है आपने, किस प्रकार से आपको स्टोरी सुनाई गई है और क्या तैयारी है आपकी रेड लाइन को लेकर, गानों के लिए जी? अभिषेक सर इसमें एक सैड सॉन्ग है जो थीम बेस्ड है, उसमें जो थीम है और कुछ आइटम भी हैं जो स्टोरी के साथ में, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है म्यूज़िक का, तो उस हिसाब से गाने किया गया है इसमें। टोटल कितने गाने होंगे सर? चार पांच गाने हैं इसमें जी। किस तरह होगा गाने आ रहा है सर? सैड ही है, सैड है और कुछ आइटम बेस्ड है इसे। तो इकबाल भाई आपसे भी जानना चाहेंगे रेड लाइन फिल्म बनाने की आपने क्यों सोची, क्या ऐसी बात है इसमें, इस फिल्म में जो कि आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, समाज को एक अच्छी बात बताना चाहते हैं जो लोगों को न बताओ जी? इकबाल भाई जगन्नाथ जी, रेड लाइन अभी स्टोरी लिखी हुई है सर, जैसे पॉलिटिक्स और गैंग वॉर देखा हम लोगों ने, तो कुछ अलग देख रहे हैं हम लोग, कुछ बनाने के लिए अलग चल रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं निर्देशक पवन पांडे जी के साथ पहले रणनीति फिल्म कर चुका हूँ, और आज भैया ने बुलाया है तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और निर्माता महोदय लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अच्छी फिल्म बन रही है, पोस्टर मैंने देखा रेड लाइन का, अल्टीमेट पोस्टर बना हुआ है, और आप मीडिया वाले लोग इस फिल्म को भाई प्रमोट करें, आगे बढ़ाएँ, यही हम चाहते हैं। और एक अभिनेता के रूप में चाहता हूँ कि अच्छी फिल्में बनती रहें, और हमारे बड़े भाई हैं पवन पांडे जी और शाहिद माल्या जी हैं, उड़ता पंजाब और इन सब धमाल मचा चुके हैं भाई सिंगिंग में, मैं तो सुनता हूँ इनको तो बहुत अल्टीमेट लगता है। हम लोग की पहचान नहीं है लेकिन बाय द वे ये गाते हैं तो एक खनक है इनकी आवाज़ में, वो सबको आप लोगों ने सुना ही होगा, तो मैं पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ। और आपको बुराइयाँ तो याद नहीं है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्टर हैं, जब मैं रणनीति कर रहा था तो मतलब ये एक बच्चा नहीं होता, उसको पुचकार कैसे अभिनय किया जाता है भाई, नहीं आ रहा तेरे को, तब भी वो बताना है कि बेटा देख ऐसे करना है, एक वर्कशॉप देना, एक अलग तरीके से बता दूं कि पिछले वर्ष 25 नवंबर को शाहरुख खान के साथ हमारी फिल्म रिलीज़ हुई थी, भैया ने बताया भी, भैया कह रहा हूँ कि बहुत करीबी हूँ इस वजह से, तो उस दौरान वो फिल्म रिलीज़ हुई, बहुत कठिनाइयाँ थी, मतलब पैसे वाला प्रॉब्लम था, ये जो मोदी जी ने बंद किया था कि नए नोट और पुराने, तो उस दौरान रिलीज़ हुई थी, फिर भी हमारी फिल्म अच्छी चली, मतलब एक बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होने के बाद भी बहुत अच्छी चली, तो उस फिल्म का कलाकार के रूप में था, तो भैया को बस कोई गलती नहीं, मतलब ये सिखाए ही हैं और कोई नोक झोंक हम लोग की नहीं रही है, एक ट्विस्टिंग रहा कि हमेशा सिखाते रहे, डांटते रहे, फटकाते रहे। जो गाया हो लाइव कर लेते हैं।
गाना सुनने को लाइक मिलेगा। रेड लाइन की बात करें, फिल्म की बात करें, तो किस आपके जहन में बात आई है इस पर फिल्म बनानी चाहिए जी? देखिए, ये सब चीज़ के लिए तो फ़िलहाल हम एकदम नए हैं, इसके बारे में ऐसा कुछ जहन में नहीं था, मगर जो अभी चल रहा है, जैसा वक्त, जो हालात इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं, तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ मिलता जुलता उससे मैसेज देना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और पॉलिटिक अपना क्या काम कर रही है। तो आप नए हैं बॉलीवुड में, आप नए आए हुए हैं और पता है आपको, जैसे कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो आपने पूरी तैयारी करके आई है इसकी? बिल्कुल। और इसमें हमारे पवन सर है जो बिल्कुल हमारे लिए पूरी तरह से मजबूत, और हमारे जगन्नाथ राव सर जो हमारे को पूरी तरह से बैकिंग की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बैकिंग कर रहा है। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे रेड लाइन के बारे में। जो बड़वा ने बोल दिया। चलिए लास्ट पवन जी से ले लेते हैं। कब सेट पे जा रहे हैं और कब तक ये दर्शक फिल्म को देख पाएंगे? सर, आफ्टर बारिश, एक बारिश खत्म हो जाए, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, सर ने सॉन्ग कर दिया है, अभी एक मानी त्रिपाठी है जो इसने पहले यूनिवर्सल में गाया था लैला ओ लैला, वो भी गा रही है आइटम सॉन्ग जो अभी अभिषेक पांडे ने बताया कि एक आइटम बहुत अच्छा आइटम है वो। जैसे अभी शाहिद जी ने गाना गाया कि हम मुस्कुराएंगे, तो फिल्म लगाने के बाद आप मुस्कुराएंगे, दर्शक भी मुस्कुरा के जाएंगे थिएटर के बाहर? सर, आशा तो सब लगा के चलते हैं यही कि मुस्कुराहट चेहरे से खत्म ना हो। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों को जवाब देने के लिए। ओके सर, थैंक यू।